तो कैसे हो लौंडो? आई होप सब भले चंगे होंगे। द इंट्रोवर्ट गाय के एनिम सीरीज के फर्स्ट एपिसोड में आप सभी का वेलकम है। आज का एपिसोड होने वाला है एक काफी कूल किलर के बारे में, जिसका नाम है लाइट, जो कि है डेथ नोट एनिम का लीड कैरेक्टर। बाकी बातें बाद में, पहले इंट्रो एंजॉय करो। तो कहानी शुरू होती है शिनिगामी वर्ल्ड से। शिनिगामी बोले तो मौत के देवता, अपने यमराज टाइप। लेकिन ये यमराज से पूरी तरह मैच नहीं करते। जैसे कि यमराज सिर्फ एक होते हैं, लेकिन शिनिगामी एक से ज़्यादा होते हैं, और ये अलग अलग डायमेंशन में रहते हैं, जो कि अर्थ से एक पोर्टल के जरिए जुड़ा हुआ है। लगभग सारे शिनिगामी कलयुग के आम लोगों जैसा ही जुआ भी खेलते हैं, लेकिन यहाँ एक शिनिगामी ऐसा है जो इस सबसे परेशान होकर अकेला बैठा कुछ सोच रहा था, रियुक। और यहाँ जापान में रहता है इस कहानी का मेन हीरो लाइट, जो कि अभी हाई स्कूल में है, और स्कूल में ये काफ़ी अच्छा है, जीनियस है, और इसका लास्ट नेम है यागामी। और फनी बात तो ये है, वैसे जोक थोड़ा गंदा है लेकिन चलता है, अगर इसके सरनेम को उल्टा करके लिखोगे तो ये बनेगा आई एम गे। जोक सपाट। वैसे यहाँ लाइट भी अपनी दुनिया से काफ़ी उदास है। हर अगले दिन नए मर्डर केसेस, चोरी चकारी की खबरें पूरे देश में चलती रहती हैं, इसलिए लाइट यागामी अपनी दुनिया से काफ़ी परेशान है। एक दिन एज यूजल वो अपनी क्लास में बैठा पढ़ रहा था, लेकिन उसकी नज़र खिड़की के बाहर है। रोज़ एक जैसा दिन होने की वजह से यह लौंडा भी अपने जैसा बोर हो रहा था, लेकिन तभी उसने देखा कि आसमान से ये क्या गिरा। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने जाकर देखा तो यह है एक बुक जिस पर लिखा है डेथ नोट, मतलब मौत की किताब, जो मिलती है स्कूल से सबसे स्मार्ट लड़के लाइट को, जिसके रूल्स में लिखा है इस डेथ नोट में जिसका भी नाम लिखोगे उसकी मौत हो जाएगी, लेकिन नाम लिखते टाइम उसकी शक्ल दिमाग में होनी चाहिए ताकि सेम नाम वाला कोई और ना मर जाए। और नाम लिखने के 40 सेकंड बाद वो इंसान मर जाएगा, वो भी नॉर्मली हार्ट अटैक से, जिसकी वजह से किसी को शक भी नहीं होगा। लेकिन और इंटरेस्टिंग बात, अगर आप मरने का तरीका भी मेंशन करते हो तो वो इंसान उसी तरीके से मरेगा जैसा आपने उसमें लिखा है, ना कि हार्ट अटैक से। लेकिन नाम लिखने के बाद सिर्फ 6 मिनट 40 सेकंड का वक्त ही मिलेगा कॉज ऑफ डेथ लिखने का। और अगर कॉज ऑफ डेथ अजीब हुआ, फॉर एग्जांपल वो बंदा इंडिया के कुतुब मीनार के ऊपर पतंग उड़ाते उड़ाते हुए मरेगा, तो वो भैया पॉसिबल नहीं है। इस सिचुएशन में उस बंदे की मौत हार्ट अटैक से ही होने वाली है। फिर कुछ देर बाद लाइट से मिलने आता है रियू। लाइट उसे देखकर डर जाता है, मगर बहुत जल्दी वो खुद पर काबू कर लेता है। इसका मतलब लाइट जीनियस के साथ साथ बहादुर भी है। रियू उसे डेथ नोट से जुड़े रूल्स के बारे में बताता है, और ये भी कहता है कि क्योंकि डेथ नोट उसके हाथों से गिर गई थी और लाइट ने उसे उठा लिया, तो इसका मालिक अब लाइट है। तो अब इस डेथ नोट से जुड़े कुछ बेसिक रूल्स को समझ लेते हैं। रूल नंबर 1, अगर लाइट ये डेथ नोट किसी दूसरे बंदे को दे देता है तो लाइट के दिमाग से डेथ नोट से जुड़ी सारी यादें मिट जाएंगी, जैसे कि ये डेथ नोट उसे कभी मिली ही ना हो। रूल नंबर 2, अभी के लिए रियुक को सिर्फ लाइट ही देख और सुन सकता है। रूल नंबर 3, जो लोग डेथ नोट का यूज़ करते हैं उन्हें मरने के बाद ना तो नर्क मिलता है ना ही स्वर्ग, वो कहीं बीच में ही भटकते रहते हैं, उन्हें कभी मोक्ष प्राप्त नहीं हो पाता। रूल नंबर 4, अगर किसी ने डेथ नोट को टच किया तो वो रियुक को देख और सुन पाएगा। शुरुआत में तो लाइट को ये किताब मजाक लगती है, जो कि सुनने में मजाक लगता भी है, लेकिन अब रियुक के आने की वजह से उसे यकीन होने लगा है। लेकिन टेस्ट करने के लिए वो न्यूज़ में चल रहे एक ट्रेंडिंग क्रिमिनल का नाम उस किताब में लिख देता है और उसके मरने का इंतज़ार करता है। टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक, और हो गए 40 सेकंड। तो देखा, फुद्दू बना रही है ये बुक, कुछ ना हुआ, कुछ ना होगा इस डेथ नोट से, इससे ज़्यादा असली तो अनन्या पांडे की एक्टिंग है। What the fuck? कुछ देर में वो बंदा हार्ट अटैक से मर जाता है। लाइट यागामी चौंक जाता है, क्या ये डेथ नोट असली है? तब लाइट को इस पर विश्वास होता है। इसके साथ ही शुरू होता है लाइट का अंधकार से भरा सफर। धीरे धीरे करके वो और भी क्रिमिनल्स के नाम डेथ नोट में लिखने लगता है। उसे लगता है वो दुनिया को जुर्म से आज़ाद कर देगा, ना रहेंगे क्रिमिनल्स और ना होगा क्राइम,
लेकिन जैसा कि हम सोचते हैं, क्राइम से नफरत करो, क्रिमिनल से नहीं। पहले हमें क्रिमिनल को छोटी मोटी सज़ा देकर उसे सुधारने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि डायरेक्ट बंदा ही उड़ा दो। लेकिन लाइट इस बात पर विश्वास नहीं करता। जैपनीज एक्सेंट में अगर किलर कहा जाए तो वो कुछ कुछ कीरा जैसा सुनाई पड़ता है। लोग इस अनजान कातिल को कीरा कहकर बुलाने लगे और लाइट को भी ये नाम काफ़ी पसंद आता है। कीरा बहुत जल्दी इंटरपोल की नज़र में आ जाता है और इंटरपोल के लिए कीरा को गिरफ्तार करना बहुत ज़रूरी लगता है। अथॉरिटी को लगता है समाज के अपने कई रूल्स हैं, क्राइम करने वाले के लिए एक सज़ा पहले से ही डिसाइड करी गई है। अगर ऐसे में कोई क्रिमिनल्स को मार रहा है तो ये अपने आप में ही क्राइम है। कीरा को ढूंढने की ड्यूटी एक एल नाम के डिटेक्टिव को दी जाती है और एल है एक बहुत ही स्मार्ट डिटेक्टिव जिसकी आइडेंटिटी अभी तक किसी को नहीं पता और इसने पहले भी कई बार पुलिस डिपार्टमेंट की हेल्प की है। लेकिन नॉर्मल पब्लिक को कीरा का ये न्याय बहुत पसंद आने लगा। इंटरनेट पर कीरा को बहुत सपोर्ट मिलने लगा और लाइट को ये सपोर्ट बहुत अच्छा लगने लगा। और तभी टीवी पर एक बदला लाइव आता है, लिंड एल टेलर। तो एल टीवी पर आकर बोलता है, मेरा नाम है एल, मतलब कि लिंड एल टेलर बोल रहा है कि वो एल है। और वो बोलता है कि मैं कीरा को पकड़ कर रहूँगा और कीरा जो तू कर रहा है उसकी सजा तुझे बराबर मिलेगी। तो लाइट को ये धमकी पसंद नहीं आती और वो गुस्से में आकर डेथ नोट में एल का नाम लिख देता है, लिंड एल टेलर। टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक और 40 सेकंड बाद एल की मौत हो जाती है लाइव टीवी पर। और यहाँ आता है स्मार्ट ट्विस्ट, एल की आवाज़ आती है टीवी से, किया मैं बस चेक करना चाहता था कि तू असली में है भी या नहीं, और अब ये कन्फर्म हो गया है। जिसको तूने अभी अभी मारा वो एक क्रिमिनल था, उसके वैसे भी फांसी की सजा होने वाली थी। तो मैं बता दूं कि मैं एल हूँ, हिम्मत है तो मार मुझे, क्यों नहीं मार सकता क्या? शायद किसी को मारने के लिए तुम्हें उसका नाम और शक्ल दोनों चाहिए। तुम्हें मैं बहुत जल्दी पकड़ लूंगा, मुझे पता है तुम जापान के रोहिणी सेक्टर 22 में रहते हो। ये लाइव ब्रॉडकास्ट सिर्फ जापान के रोहिणी सेक्टर 22 में हो रहा है, मतलब तुम इसी शहर में हो कीरा, अब तू कैसे बचेगा? वहाँ जापान की पुलिस इन्वेस्टिगेट करने में लगी है कि कीरा आखिर है कौन, पर अब तक कुछ खास मिला नहीं है। लेकिन एल को कीरा की डेथ टाइमिंग देखकर एक बात का शक तो है कि कीरा कोई स्टूडेंट ही है और स्कूल के बाद ही वो सारे क्राइम करने का टाइम निकाल रहा है। ओ शिट, लाइट तो एल के जाल में फंस गया। तो ये थी अब तक की लाइट की कहानी। अब आपको क्या लगता है आगे की कहानी में क्या होगा? अगर आगे की कहानी जाननी है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताना कि आपको इसमें सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट कौन सा लगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब करते हुए जाना। जल्दी नई वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए सायोनारा।